गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होता है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वैसे ही करंट होता है, करंट इलेक्ट्रिक करंट होता है। करंट शब्द का मीनिंग वैसे होता है कि कोई भी चीज़ अगर फ्लो करती है उसको करंट कहते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे ओशंस के अंदर जब वाटर फ्लो करता है, वेव्स आती है, तो उसको ओशन करंट्स कहते हैं। वैसे ही जब एक कंडक्टिंग वायर में से कुछ चार्ज फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और आई से उसको डिनोट करते हैं। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसकी डेफिनेशन थी वैसे इसकी होगी कि चार्ज ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, कि एक यूनिट एक सेकंड में किसी कंडक्टिंग वायर में कितना चार्ज फ्लो कर गया उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ऐसे यूनिट्स देख लेते हैं अब इन सब की। कूलम किसकी? ऐसे यूनिट होती है चार्ज के लिए होती है। और एक कूलम में कितना चार्ज होता है? उतना ही चार्ज होता है जितना 6×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स में होता है, मतलब कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और एक इलेक्ट्रॉन में 1.6×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज होता है, मतलब कि ये जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक कूलम के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये तो यूनिटरी मेथड है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। करंट, करंट के लिए ऐसा यूनिट थी एम्पियर। तो एक एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड 1 एम्पियर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज किसी वायर के थ्रू फ्लो कर गया तो उसको 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पहली बात, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। ठीक है, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा कि अगर चार्ज रखा हुआ है तो वो कितना वर्क डन कर सकता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, दो हमारे पास पोटेंशियल रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है? 5 कूलम और 7 कूलम के बीच का डिफरेंस है 2 कूलम, तो यही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से, वर्क डन को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कि जैसे ये एक सर्किट है, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट है अभी। ठीक है, तो हम एक यूनिट चार्ज लेके आते हैं और हम एक जगह से, कोई भी एक जगह चुन लो, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ वो उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कि जितनी पावरफुल बैटरी होगी उतना ही हमको वर्क डन करने में कठिनाई होगी, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम एक चार्ज को लेके गए, यूनिट चार्ज को, मतलब कि 1 कूलम चार्ज को जब लेके गए तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो ही उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है तो हमको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ से लेके किसी दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव करने के लिए। और अगर बैटरी बिल्कुल कमज़ोर है तो हमको वर्क डन आसानी से कर देंगे हम, ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब एक चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस की प्रेजेंस में जब हम ट्रैवल करवाते हैं, किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, तो जो वर्क डन होता है उन दोनों का रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कि यूनिट चार्ज, अब इसको यूनिट चार्ज ले लेते हैं, अगर यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में जितना वर्क डन हो रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है,
अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट है वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। और 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, मतलब कि अगर कोई सर्किट, करंट कैरिंग सर्किट है, उसमें 1 कूलम चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो अगर हमको 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, तो उसकी तो हमारा बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के का सिंबल कैसे होता है? एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम बड़े लाइन से शो करते हैं, और छोटी लाइन से हम नेगेटिव टर्मिनल को शो करते हैं। बैटरी, बैटरी को जब हम सेल्स को मिला देते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। ओपन स्विच, ओपन स्विच में जब हम एक पूरा सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें जब तक हम की नहीं डालते हैं, ये की है, ये जो पॉइंट है ये की है, तो इसको डालते ही सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगर इसमें की नहीं डालते हैं तो करंट फ्लो नहीं करता। क्लोज स्विच, क्लोज स्विच में हम की इसमें लगी हुई है, मतलब कि करंट पूरा सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब बल्ब को इस तरह से शो करते हैं, रेजिस्टेंस को इस तरह से शो करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और रियोस्टेट को इस तरह से शो करते हैं, मीटर को ए से शो करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है, वैसे ही वोल्ट मीटर होता है, ठीक है।